नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूँ वैश कुमारी। रायपुर के रेलवे स्टेशन से सादौली दरबार तक 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे कई जगह से अब धंसने के बाद अब इसकी दीवार पर ही दरारें आनी शुरू हो गई हैं और पत्थर अपने स्थान से खिसक गया है तो स्तंभ गिरने की कगार पर ही है, जबकि इस लापरवाही की जांच पिछले 2 महीने से लगातार जारी है और रहवासियों के मुताबिक सड़क बनाते वक्त विभिन्न परतों को बिछाने के दौरान तय मानकों का पालन ही नहीं किया गया, जल्दबाजी में परतें भरी गई और उसके ऊपर डम्बरीकरण कर दिया गया। जब बारिश हुई और इस सड़क पर ट्रैफिक का दबाव पड़ा तो नीचे की परत धसने लगी। तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और इसी वजह से जगह जगह दरारें पड़ने लग गई हैं, लेकिन आज तक जिम्मेदार अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि जांच आखिर कहां तक पहुंची है और कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी। तो वहीं इस पूरी लापरवाही को लेकर, शुरू से ही लापरवाही बरतने को लेकर सरकार को आगाह कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश शर्मा ने सरकार पर जांच के नाम पर लीपापोती करने का गंभीर आरोप लगाया है। सिर्फ इसमें डामर रेती गिट्टी की जांच की जा रही है, जो इसका मेन रूप से सर्वे गलत हुआ है, निर्माण गलत हुआ है, गलत जमीन पे निर्माण हुआ है, इसकी कहीं बात नहीं हो रही है। सरकार के द्वारा जो सही रूप से जो जांच करना चाहिए वो बात आज हम 9 महीने से चिल्ला रहे हैं, हम सरकार को जगाए हैं, तब जाके आज सरकार जागी है, पर जागने के बाद भी सिर्फ डामर रेती गिट्टी तक। तो ये देखिए, जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। जब सवाल किया जाता है कि भाई बताइए तो कि जांच के बिंदु क्या थे, किस आधार पर जांच की गई है और रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, तो जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। आखिर कहेंगे भी कैसे, क्योंकि जब जांच ही सही तरीके से नहीं हो रही है, नीचे से लेके ऊपर तक सबकी मिलीभगत है, तो इस तरह का भ्रष्टाचार होना तो हमारे देश में आम बात हो चली है। तो एक्सप्रेस वे ये कोई, इसकी पूरी ही दीवार अब धंसने लगी है। जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था तब से ही शिकायत की जा रही थी, लेकिन अगर सीरियसली लिया जाता तब कहीं जाके कार्रवाई होती, तब कहीं जाके इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता, लेकिन जब सीरियसली लिया ही नहीं गया तो काहे का सुधार और काहे का इम्प्रूवमेंट। तो 2 महीने से ये एक्सप्रेस वे पूरी तरह से अब जर्जर होने की कगार पर है। सड़क बनाते वक्त किसी भी तरह का एक प्रॉपर ख्याल नहीं रखा गया, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। पहले तो बनाने में पैसा लगेगा, फिर उसके बाद उसके मरम्मतीकरण में पैसा लगेगा, जांच के नाम पर कार्रवाई की जाएगी, कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन नतीजे हर बार की तरह सिपर और सरकारी पैसे की, सरकारी खजाने की जमकर सबने मिलकर यहाँ पर बंदरबांट की है। सत्य राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सत्य, ये कोई पहला मामला नहीं है कि निर्माणधीन में गुणवत्ताहीन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारी हैं, सबक लेने के लिए तैयार नहीं और लापरवाही निरंतर चलती रहती है। जी दा, ये एक तरह से पूरी तरह से बंदरबांट है। जब एक सवाल ये है कि अगर जब किसी चीज को बनाने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त होता है, क्वालिटी ऑफिसर नियुक्त होता है, तो जब उस चीज में गुणवत्ताहीन हो जाता है, मामले सामने उजागर होता है, उसके बावजूद भी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रहा है कि जिम्मेदारी किसकी है। अभी तभी 2 दिन बारिश हुई है, उस बारिश के दौरान जो एक्सप्रेस वे का जो दीवार है वो लटक गई है, स्तंभ में दरारें आ गई हैं, कभी भी ये गिर सकता है। बता दिए 100 करोड़ से ज्यादा का इसमें लागत ये बन रही है और ये 15 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है जिसमें लगभग 300 करोड़ खर्च हो गया, जिसमें 90% का भुगतान भी हो चुका है। सत्य, बड़ा सवाल यह है कि आप भी बता रहे हैं 90% राशि का भुगतान हो चुका है, 300 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है इस पूरे एक्सप्रेस वे का, और जिस तरह से इसका निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। क्या जिम्मेदारी तय की गई है, क्यों अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था तब से शिकायत की जा रही थी, तब भी ध्यान नहीं दिया गया। ये शिकायत तो पहले जब ये निर्माणाधीन था तब से शिकायत की जा रही थी, उस दौरान चुनाव के बाद सरकार बनी, सरकार ध्यान नहीं दिया, फिर मामला मीडिया में बहुत तेजी से उठा, स्वराज एक्सप्रेस ने उठाया, उसके बाद सरकार इसमें संज्ञान लिया, वहाँ पे विधायक गए और ये कहते नजर आए कि इस मामले पे FIR दर्ज कराएंगे। ये बयान भी तीन महीने हो चुके हैं लेकिन आज तक इसमें कोई FIR भी दर्ज नहीं हुआ है। तो वही एक के बाद एक इसमें जांच कमेटी बैठाया जा रहा है,
फिर उसको भंग कर दिया जाता है, उसके बाद फिर कमेटी बैठाया जा रहा है। तो इस तरह आज तक ये सरकार के पास ये जवाब नहीं है कि जांच कहां तक पहुंची है। बिल्कुल सत्ता, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया लेकिन भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहली सरकार पर जो अभी मौजूदा सरकार है, जो विपक्ष में हुआ करते थे, वो आरोप लगाया करते थे कि भाई बंदरबांट की जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जो विपक्ष में है वो सरकार में है और जो सरकार में थे वो विपक्ष में है, लेकिन फिर भी कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। जी ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो जिस चीज का विरोध कर रहे हैं आज वही चीज उनके सरकार में भी वही हो रहा है, लेकिन इसमें कार्रवाई भी नहीं हो रही है और इसके लगातार शिकायत हो रहे हैं, चाहे सीएम से हो, चाहे राज्यपाल से हो, चाहे विभागीय मंत्री हो या अधिकारी हो, लेकिन कार्रवाई का कोई नामो निशान नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग का क्या कुछ कहना है? इसमें तो अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इसमें कमेटी बना दी गई है, बोलते हैं कि मामले जांच के अधीन है और इसमें जब रिपोर्ट आएगी तब बताया जाएगा कि किस तरह से इसमें ये लापरवाही की गई है। लेकिन साफ साफ जाहिर है कि जो दीवार गिर रहे हैं, दीवारें लटक गई हैं, दरारें आ गई हैं, एक्सप्रेस वे के जो रोड है धसकने लग गए हैं, तो ये साफ साफ। अगर सत्या इस दौरान कोई हादसा होता है, खुदा न खास्ता लोगों की जान चली जाती, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन भरपाई करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार राज्य सरकार और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हालांकि ये दोनों तरफ से इसके एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है, इसका जो सर्विसिंग रोड है उसको भी बंद कर दिया गया है, कहीं कहीं खुला हुआ है, लेकिन ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इसके आजू बाजू जो घर बने हुए हैं, कॉलोनी है, ये जरूर प्रभावित होगा। तो इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन सरकार इस चीज को अनदेखा कर दी रही है और जांच के नाम पे सिर्फ 2-3 महीने से सिर्फ कमेटी पे कमेटी गठित करते जा रही है। यही विडंबना है इस देश की कि जांच के नाम पर सिर्फ कमेटियों का गठन होता है और सालों वो जांच चलती रहती है लेकिन जांच के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है और उसका कुछ जमीनी स्तर पर हमको रिजल्ट दिखता भी नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।